हेलो दोस्तों, सुशीला की हस्तकलाएं में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल चीज़ लेके आए हैं, बहुत जल्दी फटाफट बनने वाली। देखिए, ये एक हमारे पास पट्टी है फैब्रिक की, कपड़े की। लेंथ 17.2 इंच, लंबाई इसकी 17 इंच और सेंटीमीटर इसका है 44, यानी 44 सेंटीमीटर लेंथ। अब इसकी हम विड्थ नापते हैं, 12 सेंटीमीटर, यानी 5.5 चौड़ाई है। 5.5 इसकी विड्थ है। मोटा कपड़ा है ये, सीधा ये उल्टा। इसको हम अब इसको उल्टा करेंगे, इस तरह से फोल्ड देख सकते हो, मैं सिलाई ऐसे लगानी है, 1 इंच यहां से या यहां पक्का कर देना है। इधर देखिए, यहां से लेंगे 1 इंच, यहां सिलाई लगानी है और ये हमें कुछ स्पेस छोड़ना है, 3 इंच का, 7 सेंटीमीटर का, 1 1 इंच हम इस कोने पे सिलाई लगाएंगे, ठीक है। और सिलाई कितनी लगानी है हमें, 2 सूत, पाव सिलाई, आधा इंच की नहीं। सिलाई लगा ली है हमने और किनारों पर डबल सिलाई करी है ताकि हम सीधा करें तो वो सिलाई खुले नहीं। अब इस सिलाई को हम खोलेंगे और उस पर हम प्रेस करेंगे। ये स्पेस हमारा सीधा करने के लिए, ये देखिए, इस सिलाई से हमें 1 इंच ऊपर लेना है और इसको फोल्ड करेंगे। और अब हमें इस ऊपर वाले कोने से 2.75 इंच हमें एक अंदर निशान लगाना है, ऐसे 2.75 और 7 सेंटीमीटर इधर भी लगा लेंगे निशान। हमने देखिए ऊपर से 1 इंच लिया और उस 1 इंच से हमें नीचे 2.75 पर निशान लगाना, 7 सेंटीमीटर पर एक लाइन बना देनी है। आप देखिए, दिखाई दे रहा होगा आपको, हमें यहाँ से उप कपड़ा उठाएंगे और इसको अंदर मोड़ेंगे। जो हमारी लाइन है यहाँ से इसको मोड़ेंगे। और यहाँ तक ये मोड़ना है, इधर से पकड़ेंगे ऐसे, बिल्कुल बराबर। ये देखिए, इस पर हमने प्रेस कर ली, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ हमने बी शेप बनानी है, ये देख सकते हो, यहाँ से थोड़ा, ये कपड़ा रेशमी है, चाइना में, सिल्क में। ये देखिए, ऐसे 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 ऐसे, और ये कोने हमें मिला देने। ये चिमटी लगा ली है, अब हमें 2 सूत के मार्ग से यहाँ पे निशान लगाना है, देखिए सिलाई के लिए। अब इस कॉर्नर पे हमने गुलाई देनी है और 1 इंच ही हमें इधर लेना है, 1 इंच इधर इधर निशान लगाना है, इस कॉर्नर से 1 इंच इधर लगाना है। अब इसको हमें इस तरह से निशान लगा देना है गुलाई में, ये देखिए, इधर भी लेना है ऐसे ही, 1 इंच इधर लेना है, 1 इंच इधर लेना है, उस पर इसी निशान लगाया ना हमें, ऐसे ही इसी से निशान मिला दे। वो हमें सिलाई लगानी है यहाँ से, कॉर्नर पर लॉक, डबल लॉक करना, अच्छी तरह डबल सिलाई करनी है, ऐसे इस गुलाई में लेते हुए
यहाँ से इस गुलाई से लेते हुए यहाँ पर पक्का कर देना। ये देखिए तीन सिलाई मारी हमने कोने पर, ऐसे लेंगे इधर से लेंगे, यहाँ पे भी तीन वाला लाए, ऐसे लाए फिर वापस लेंगे फिर ऐसे लाए, यानी हमारा ये पक्का हो गया। एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर लेंगे चारों तरफ से। हमने एक्स्ट्रा मार्जिन सब काट दिया, कोने में पे एक ही सूत का मार्जिन छोड़ा है। अब इस जो गुलाई है इस पे हम कट लगाएंगे। हमारी सिलाई ना कटे ऐसे कट लगाने हैं। कट लगा लिए इसको हम अब सीधा करेंगे। जो हमने स्पेस छोड़ा था स्टार्टिंग में सीधा करने के लिए, उसे तो अब सीधा करेंगे। इसी तरह से कोने निकाल लेंगे हम और सीधा करने के बाद इसको हमने जो छोड़ा 3 इंच वाला स्पेस, इसको इसको हैंड स्टिचिंग कर देंगे हम, हाथ सिलाई जेक जेक वाली हमें सिलाई करनी है इसकी, जो हम सूज में फीते डालते हैं ना लेसेस, इस तरह से सिलाई करनी है। देखिए ये हमने सिलाई कर ली इसकी, इसको भी सील लेंगे। हमने एक और बनाया है दोस्तों इसमें देख सकते हो मैंने इसमें पेस्टिंग पेपर लगा रखा है, ये कॉटन का था इसलिए मैं दिखाने के लिए, आप कॉटन का बनावे तो पतला कपड़ा होता है, या तो आप डबल कपड़ा ले लें उसको चारों तरफ से पहले अटैच कर लें फिर इसकी डिजाइन से बनावे, और नहीं तो इसमें पेस्टिंग पेपर ये मैंने चिपका रखी है, आप ऐसे पेस्टिंग पेपर अंदर की साइड में लगा लें और फिर ये इस तरह से बनाओगे तो ना पाइपिंग की जरूरत ना सिलाई की जरूरत, कहीं कोई सिलाई नजर नहीं आ रही। अब हम ये भी सिल रहे हैं, हमारी ये भी सिलाई अंदर चली जाएगी, किनारे किनारे पे सिलाई लगानी दोस्तों ताकि सिलाई दिखाई नहीं। देखिए हमने ये सिलाई कर दिया, इस पे भी कर दी, अब इनको सीधा करेंगे। इसमें हमने पेस्टिंग पेपर लगाई है इसलिए थोड़ा सा अच्छा हो रहा है। देखिए अब हमने ये हमारी जो हाथ सिलाई करी थी हमने वो अंदर चली गई, ये देख रहे हो अंदर चली गई, कि कॉर्नर हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे किसी नुकीली चीज से निकाल लें। कितना प्यारा, ये देखिए यूजफुल कितना प्यारा, ये देख सकते हैं इसको भी हम सीधा कर लें, इसको हमें भी आपको बना के दिखाया है, हमने दोनों साथ साथ बनाए। अब हम इनमें दोस्तों बटन लगाएंगे, ये देखिए ये हम चिपकाएंगे जहाँ पर ये आएगा हम इसको लगा लेंगे, या आप बेलक्रो लगा सकते हो छोटा सा बेलक्रो लगा लो आप यहाँ पर ऐसे लेके, और जैसे ब्लाउज बनाती हैं बहनें तो स्टिच बटन लगा लें आप, और मैग्नेट बटन तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अब ये बटन लगाएंगे और इसको हम हॉट ग्लू से चिपका लेंगे, ये देखिए, और जब हम इसको बंद करेंगे इस तरह से ये बटन बंद हो जाएगी इसकी ऐसे करके। कैसे लगे दोस्तों ये हमारे बटुआ, प्यारे से सुंदर से छोटे से, ये देखिए चार उंगली मेरे आराम से जा रही है अंदर। आप इसमें कॉइन्स रख सकते हो, कोई भी कार्ड रख सकते हो अपने, किसी भी चीज़ के कार्ड रख सकते हो, ये देखिए और इसमें काफ़ी स्पेस होता है। देखिए दोस्तों दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।